हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए पढ़ते हैं आज मूल अधिकारों की संशोधनीयता से रिलेटेड कुछ टॉपिक को। तो सबसे पहला है संकरी प्रसाद बनाम संघराज्य, ठीक है। दूसरा है ये 1951 में आया हुआ था, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ये 1967 में आया था, इस संशोधन हुआ था, ठीक है। फिर है केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्यवाद, सब में बात जोड़ सकते हैं, ठीक है। केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्यवाद, है ना, केरल राज्यवाद, और ये आया था 1973 में, है ना। तो अब इस तीनों के बारे में देखते हैं। संकरी प्रसाद बनाम संघ राज्यवाद 1951 में, इसमें क्या कहा गया था, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया था कि अनुच्छेद 368, ठीक है ना, अनुच्छेद 13 2 के अंतर्गत वर्णित जो है उससे संबंधित नहीं है, अर्थात इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। सॉरी, अनुच्छेद 13 2 से संबंधित नहीं है अनुच्छेद 368, इसीलिए इसका संशोधन किया जा सकता है। फिर है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में, क्या कहा गया कि अनुच्छेद 13 2 में वर्णित जो भी संशोधन से रिलेटेड बात है या नियम कानून है वो साधारण विधि से संबंधित भी है और संविधान संशोधन से भी संबंधित है, इसीलिए इसमें ये कहा गया कि मौलिक अधिकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है और पहले वाले में संशोधन किया जा सकता है क्योंकि अनुच्छेद 368, फिर से इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ तो, ठीक है। अनुच्छेद 368 में जो बात वर्णित है उसके अनुसार अनुच्छेद 13 2 मेल नहीं खाता है, तो इसमें हम संशोधन कर सकते हैं। ये हो गया संकरी प्रसाद में। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में ये कहा गया कि अनुच्छेद 13 जो वर्णित बातें हैं वो साधारण नियम और संविधान संशोधन से संबंधित है, इस कारण से अनुच्छेद 368 के द्वारा इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। सबसे पहली बात है 13 2 था क्या, इसमें हमने बताया था पिछले वीडियो में कि अनुच्छेद 13 2 में ये कहा गया था कि किसी भी माध्यम से राज्य सरकार द्वारा मौलिक अधिकार को न तो हटाया जा सकता है न कम किया जा सकता है, यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो बीच में सर्वोच्च न्यायालय आएगा और अपना न्यायिक समीक्षा करेगा और आपके मौल अधिकार को बचाने की कोशिश करेगा, तो ये था। अब तीसरा है केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्यवाद, ये 1973 में आया था, इसने कहा कि संविधान के किसी भाग में संशोधन किया जा सकता है और साथ ही साथ ये जोड़ दिया कि संविधान का जो मूल तत्व है, मूल अर्थ है, उसको बिगाड़ा ना जाए तो संशोधन करने में कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 13 न्यायाधीश थे, इस जब ये संवैधानिक पीठ बना था तो इसमें कितने न्यायाधीश थे, 13, और सबसे ज़्यादा सर्वमान्य यही है और अभी इसी पे निर्णय लिया जाता है इसी के अनुसार, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम, आइए देखते हैं समता का अधिकार, इसमें 2 अनुच्छेद का ही डिटेल से अभी करते हैं, ठीक है। अधिकार ये कहाँ से कब तक है, 14 से 18 तक है, तो आज 14-15 को पढ़ लेते हैं। तो समता का अधिकार क्या है, विधि के समक्ष समता, विधि के समान संरक्षण। तो विधि के समान संरक्षण किसको मिलेगा, भारतीय नागरिकों को भी मिलेगा और इसके अलावा विदेशी नागरिकों को मिलेगा, या फिर वह ऐसे निकाय जिसे कह सकते हैं निगम, कंपनी, नागरिक या विदेशी नागरिक, सभी को ये समान रूप से ये कानून उसके अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसमें 2 पॉइंट है, उसको चलते हैं थोड़ा सा, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है विधि के समक्ष
समता, ठीक है, और विधि के समान संरक्षण, विधि के समान संरक्षण। तो देखिए विधि के समक्ष समता, ये जो ब्रिटेन के संविधान से भारत के संविधान में इंक्लूड किया गया है, इसको अमेरिका के संविधान से इंक्लूड किया गया है। ये जो है विधि के समक्ष समता जो है, वही बोल सकते हैं किसी भी धर्म, जाति, लिंग, वचन, ठीक है ना, इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है, ठीक है, ये सभी को समान रूप से ट्रीट करता है। इसमें अमीर हो, गरीब हो, अधिकारी हो, प्राधिकारी हो, सबके साथ एक जैसा ट्रीटमेंट होता है, इसमें कोई विशेष अधिकार की बात नहीं है। बट विधि के समान संरक्षण में देखिएगा कि इसमें कुछ क्या होता है, विशेष अधिकार है। इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि पूर्वोत्तर राज्य है तो उनको कुछ विशेष सुविधा दिया गया है, ठीक है ना। उसी के साथ ही साथ यदि सेना के अधिकारी हैं तो उनको कुछ विशेष सुविधा मिलता है, विशेष अधिकार मिला होता है, तो ये विधि के समान संरक्षण में आता है। ये पूछता है, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनेगा कि विधि के समान क्षमता किस देश से लिया गया है, तो ब्रिटेन ही, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब विधि के समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया है, इसमें कोई डायस करके एक न्यायविद है, उन्होंने जो कानून बताया था, जो अपना विचार रखा गया था, हूबहू वही विधि के समक्ष समता में है, ठीक है। इसमें ऐसा ट्रीटमेंट किया जाता है कि जो समान के साथ समान ट्रीटमेंट, असमान के साथ असमान ट्रीटमेंट, कुछ ऐसा है एक प्रकार से। ये क्या है, एक टर्म इसमें आया था, बहुत बेहतर टर्म है, इसको देख के बताते हैं, सकारात्मक भेदभाव, ठीक है ना। ये कैसा है, हाँ क्या और था कि विधि के समक्ष समता को नकारात्मक विचार माना जाता है और इसको सकारात्मक विचार माना जाता है। साथ ही साथ ये सकारात्मक भेदभाव को बढ़ावा देता है, यानी कि जहां पे जरूरी है वहां पे हम विशेष अधिकार को दे रहे हैं, है ना। तो इसीलिए सकारात्मक भेदभाव होता है। इसमें क्या होता है, जो उच्च वर्ग वाले हैं उनके साथ कुछ अन्याय हो सकता है, ठीक है ना, यानी कि आरक्षण का जो नियम आ गया उसके अनुसार सोच सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें ये कहा गया है, तो ये हो गया आपका अनुच्छेद 14, ठीक है। अब देखते हैं अनुच्छेद 15 क्या है। तो अनुच्छेद 15 में क्या है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। तो ये हो गया अनुच्छेद 15। अब 15 का एक पढ़ेंगे, टोटल कितना है, 6 है टोटल, तो 6 का डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अनुच्छेद 15 का एक क्या कह रहा है, ठीक है ना, 15 का एक क्या कह रहा है। तो 15 के एक में वही है कि धर्म, जाति, वर्ग, ठीक है, जन्म स्थान आदि के आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है, लेकिन किसी अन्य आधार पे भेदभाव किया जा सकता है, ये अनुच्छेद 15 एक में है, ठीक है ना। अब अनुच्छेद 15 का दो क्या है, इसमें कुछ निषेध की बातें जो है उसमें संरक्षण प्रदान करता है। मान लेते हैं कि कोई सरकारी भोजनालय है, होटल है, मनोरंजन का कोई स्थान है, वहां पे ये सब कारण, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ कुछ राज द्वारा पोषित है, पूरी तरह से पोषित है या अर्ध पोषित है, ठीक है, जैसे कि कुआं है, तालाब है, मंदिर है, ठीक है ना, तो ये सब में भी जाने से रोका नहीं जा सकता है। तो ये हुआ अनुच्छेद 15 के दो में। अनुच्छेद 15 के तीन में ये कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा महिलाओं और बच्चों को उठाने के लिए यदि कुछ विशेष कार्य किया जाता है तो वहां पे समानता का जो अधिकार है उसका हनन नहीं माना जाएगा। अगला है अनुच्छेद 15 का 4, तीन का तो वर्णन हो गया ना। अनुच्छेद 15 का 4 में ये कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े, अनुसूचित जाति, जनजाति, ठीक है ना, इनके लिए कुछ विशेष प्रावधान करता है, तो यहाँ पे अनुच्छेद 29(2) का जो है वो हनन नहीं होगा, ठीक है ना, अनुच्छेद 29(2) के विरुद्ध नहीं होगा। अनुच्छेद 29 क्या है कि कोई शैक्षणिक स्थान है वो वित्त पोषित है, ठीक है ना, राज्य सरकार के द्वारा या फिर केंद्र सरकार के द्वारा, तो वहां पे अल्पसंख्यकों को, ठीक है ना, धर्म, जाति, ये सब के स्थान पे नहीं रोका जाएगा, वो वर्णन है, तो यहाँ पे उसी के अनुसार ये दिया गया है। अनुच्छेद 15 के 4 जो है, एक टर्म है चंपक दुराई राजन, चंपकम दुराई राजन, इसके द्वारा जो है
बनाम मद्रास राज्य, बनाम मद्रास राज्य, मद्रास राज्य इसके द्वारा 15-4 को जोड़ा गया था कि निर्णय के बाद अनुच्छेद 15-4 को पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये अनुच्छेद 15-4 को किससे जोड़ा गया था? पहला संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, ये भी हमें याद रखना है। अब 15 के 5 में भी वही है कि राज्य या फिर देश जो है आर्थिक रूप से पिछड़े, ठीक है, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए सरकारी या निजी, ठीक है, सरकारी या निजी संस्थाओं में आरक्षण प्रदान करेगा, ठीक है, परंतु ये लागू कहाँ नहीं होगा? आरक्षण तो प्रदान करेगा, लेकिन कह रहा है परंतु यह आरक्षण अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं पर लागू नहीं होता है। मान लेते हैं कि अलग से अल्पसंख्यक के लिए कोई स्कूल है, तो उसमें आप आरक्षण की मांग दूसरे कैटेगरी वाला नहीं कर सकता है, ये समझा रहा है। तो ये अनुच्छेद 5 में है। अब है अनुच्छेद 6, कह रहा है कि अनुच्छेद 15 का 6, ये देख लेते हैं। अनुच्छेद 15 का 6 ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है आपको कि इस अनुच्छेद की कोई बात अथवा अनुच्छेद 19 के उपखंड 6 अथवा अनुच्छेद 29(2) राज्य के नागरिकों के आर्थिक रूप से पिछड़े की उन्नति के लिए कोई विशेष उपबंध करने से नहीं रोकेगा। मतलब कि ये जो अनुच्छेद है, कौन है अनुच्छेद, अनुच्छेद 15 के 6 में कहा गया है कि अनुच्छेद 19 का उपखंड 6 और एक और है अनुच्छेद 29(2) ये बाधा उत्पन्न नहीं करेगा यदि किसी को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उसको आरक्षण देने से, जिसको बोल सकते हैं EWS। और EWS को क्या मिला है कि राज्य सरकारी प्राप्त, ठीक है, निजी हो या फिर सरकारी हो, उनको आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं उनको 10% आरक्षण मिलेगा। और यहाँ भी ध्यान रखना है कि वो इंस्टीट्यूट जो है अल्पसंख्यकों का नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा सा एक पॉइंट और है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करने के लिए कौन कौन सा आयोग आया था, थोड़ा उसके बारे में भी देख लेते हैं। ठीक है, पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए अनुच्छेद 340, ठीक है ना, ये पहचान कौन करता है कि कौन पिछड़ा वर्ग में रहेगा कि नहीं रहेगा? तो ये राष्ट्रपति करता है, ठीक है, ये राष्ट्रपति करता है। अभी मौलिक अधिकार से लंबा चलेगा दोस्तों, बहुत ज्यादा है इसलिए लंबा चलेगा, हो सकता है 6-7 वीडियो में आए। तो अनुच्छेद 340 में राष्ट्रपति जो है ना वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के पहचान के लिए आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है। तो एक देखिए, वर्ष 1953 में काका का लेकर आयोग आया था, काका कालेकर आयोग, ये आया था वर्ष 1953 में। और एक है मंडल आयोग, पूरा नाम है बिनेश्वरी प्रसाद मंडल, उन्हीं के अध्यक्षता में एक आया था मंडल आयोग। तो ये जो मंडल आयोग है तो आया था 1979 में आया था। तो इसके आधार पे करे मंडल आयोग ने भारत में जाति और वर्ग को एक दूसरे का पर्याय माना और पिछड़े वर्ग को लिए पिछड़े जाति जातियों को शामिल किया। पिछड़ी जातियों को पहचान के लिए उन्होंने 3 मानक रखा। 3 मानक कौन है? सामाजिक, शैक्षणिक, ठीक है, शैक्षणिक बोलेंगे, और आर्थिक, ठीक है, ये 3 मानदंड रखा। इसके आधार पे चुना जाने लगा। तो कह रहा है कि इस आधार पे 3743, ठीक है, जातियों को पिछड़ी वर्ग जाति के रूप में सम्मिलित किया गया था उस वक्त। इस प्रकार से मूल अधिकारों से संशोधनीयता और समता के अधिकार से हमने 14 और 15 को पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही।